विज्ञान हमारे ज्यादातर सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कुछ समय बाद दुनिया के सामने कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो न सिर्फ हमको बल्कि वैज्ञानिकों को भी परेशान करके रख जाती है। कुछ अनसुलझी रोशनियों से लेकर डांस करते हुए पेड़ों तक आज हम आपके सामने कुछ ऐसी ही अजीब चीजें दिखाने वाले हैं जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया और वैज्ञानिक लगभग इसे असंभव मानते हैं। मार्फालाइट्स। पश्चिम टेक्सास में बसा एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम मार्फा है, पिछले कई दशकों से यहाँ रहने वाले लोगों ने शिकायत की है कि यहाँ कुछ अजीब और रहस्यमय लाइट्स दिखाई देती हैं। चश्मदीदों की माने तो लाइट्स जिन्हें मार्फा लाइट्स का नाम दिया गया है, इनका आकार एक बास्केटबॉल जितना बड़ा होता है, साथ ही इनका रंग भी अलग अलग होता है, जैसे सफेद, पीला, नीला या लाल। ज्यादातर समय ये लाइट्स हवा में उड़ती रहती हैं और कई बार तो दो टुकड़े होते हुए भी देखा जाता है। इसके बाद यह आसमान में कहीं ओझल हो जाती है। इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि यह मार्फा लाइट्स अब कब दिखेंगी, क्योंकि इनका कोई खास समय या मौसम नहीं है जो इन लाइट्स के दिखने का कारण बन सके। पहली बार इन लाइट्स को 1883 में देखा गया था, उस समय यह कस्बा बसना बस शुरू ही हुआ था। तब यहाँ रहने वाले लोगों को लगा कि यह लाइट्स उस ओर रहने वाले अमेरिकी सैनिकों द्वारा जलाई गई लकड़ियों से आ रही होंगी, लेकिन पता करने पर पता चला कि वहाँ कोई आग जलाने वाला था ही नहीं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने इसे समझाने की कोशिश की, वो इसे बस आंखों का एक धोखा बता रहे हैं। उनका कहना है कि तापमान ऊपर नीचे होने से ऐसा हो रहा है, लेकिन इस बात की कोई तुक ही नहीं बनती। कुछ लोगों ने कहा है कि यह लाइट्स वहाँ पर मौजूद तेल के कुओं से निकलने वाली गैसों के जलने से उत्पन्न हो रही हैं। वहीं कुछ लोग अभी भी एलियंस के ऊपर अटके हुए हैं। चाहे कुछ भी हो, हमें यह पता है कि वहाँ लाइट्स दिखती है और कोई नहीं जानता कि वो लाइट्स आखिर आती कहाँ से हैं। चाइना के दो सूरज। क्या हुआ था जब चाइना के आसमान में दो सूरज एक साथ देखे गए थे? जी हाँ, आपने सही सुना, 2011 में कुछ ऐसा ही हुआ था। दिखने में एक सूरज आम दिन दिखने वाले सूरज जैसा था, लेकिन दूसरा थोड़ा गहरे रंग में दिखाई दिया। यह हाल वहाँ पूरे दिन देखा गया, लोग असली सूरज को पहचान ही नहीं पा रहे थे। कमाल की बात तो यह थी कि इन दोनों सूरज में से कोई भी सूरज असली नहीं था। वैज्ञानिकों से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह एक रहस्यमय घटना है जिसमें एक बहुत मुश्किल तरह की रिफ्रेक्शन को दिखाया गया है। बहुत सारी परिस्थितियों का एक साथ होना जरूरी था। खास तरह का वातावरण और धरती पर बर्फ का होना उस समय जरूरी था जिसमें धूप को वापस एक ही जगह पर भेजकर ऐसा नजारा चाइना के ऊपर बनाया। कोरिएक्टिस गैस्टर। कोरिएक्टिस गैस्टर एक चीज को विज्ञान में बोला जाता है, इसे आम भाषा में हम डेविल सिगार भी कहते हैं। असल में यह एक तरह का मशरूम है, लेकिन यह किसी भी आम मशरूम की तरह बिल्कुल भी नहीं उगता। शुरू में जब यह उगता है तब गहरे रंग की सिगार की तरह दिखता है, लेकिन फिर यह अपने अलग अलग हिस्सों में बंटना शुरू हो जाता है। जब यह हिस्सों में बंटना शुरू होता है तब यह मशरूम खुद को 7 हिस्सों में तोड़ लेता है, लेकिन जब यह टूटता है तब इसके अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। यह धुआं निकलने के साथ ही आवाज भी करता है। डेविल सिगार दुनिया के सिर्फ 2 ही हिस्सों में पाया जाता है और यह दोनों जगह एक दूसरे से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। जापान के 3 आइलैंड पर यह मशरूम ओक के पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है और वहां से 11,000 किलोमीटर दूर टेक्सास के जंगलों में एम के पेड़ों की जड़ों में यह पाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि एक ही तरह के फंगस कैसे इतनी दूर दूर बसे इलाकों में पाई जाती है। इसी बात को लेकर वैज्ञानिक आज भी परेशान है। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स को इस दुनिया में कई जगह देखा जा सकता है, लेकिन इस दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी जगह है जहां हमें पता है कि इस समय पर इस तरह का बादल यहां देखने को मिलेगा। इस तरह के बादल का बनना एक मीटरियोलॉजिकल फिनोमिना है जो एक तरह का रोल या सिलेंडर जैसा दिखता है। इसके बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण तापमान है। तापमान ही इस बादल को फ्रंट पर लाकर बनाता है। धीरे धीरे यह देखने में इतना बड़ा और चौड़ा हो जाता है कि इंसानी आँखों को न इसका अंत दिखता है और न ही इसकी शुरुआत दिखती है। इसे देखने के लिए खास हैंड ग्लाइडर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइडर से उड़ने वाले लोग इसके बेहद पास तक चले जाते हैं। इसके बाद तापमान बदलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद यह बादल बिखर कर एक सामान्य बादल जैसा बन जाता है।